में तीन इच्छाएं थी। पहली थी मेरी बीवी जिससे मैं शादी करना चाहता था, वो मैंने पूरी की। दूसरी थी ताजमहल देखना, वो मैंने हनीमून में पूरी की। और एक बार मेरी इच्छा थी पत्रकारों के परिषद को संबोधित करूँ, वो मैं आज कर रहा हूँ। मेरा नाम कुमार विशाल वर्मा है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का ACS एंटरटेनमेंट की तरफ से। मैं हाफ रहा हूँ इसलिए कि मैं दौड़ के आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। वाह, और बहुत खुशी हो रही है मुझे इतने सारे प्रबुद्ध वर्ग को एक साथ देखकर। और आप सबों का भी स्वागत करता हूँ ACS एंटरटेनमेंट की तरफ से सबका, और जो लोग निकल गए हैं आज या अभी इस समय यहाँ नहीं है उनका भी, जिसमें हमें कनक जी बता रही थी और काफ़ी लोग बता रहे थे, मटरू जी बता रहे थे कि ये गाना इस तरह से पहली बार भोजपुरी में शूट हो रहा है इस तरह के थॉट पे, जो कि आइडिया था अमित जी का, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ बुला के ये संदेश देना चाहता हूँ कि भोजपुरिया फिल्म की दुनिया में प्यार बांटने वाला प्रोड्यूसर आ चुका है। तो क्या हम अमित जी का स्वागत कर सकते हैं? और उनके साथ दीप्यमान सितारे, प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, अरविंद जुड़े हुए हैं, यामिनी जुड़ी हुई हैं, समर जी हैं, कितने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और एक अच्छी टीम बन चुकी है। और टीम वर्क में, टीम बिल्डिंग में बहुत बिलीव करते हैं अमित जी। फिल्म के बारे में तो प्रमोद जी ज़्यादा बता पाएंगे या चौहान साहब ज़्यादा बता पाएंगे, उसके पहले आप लोगों को जिनसे बात करनी हो मेरे अलावा, क्योंकि मैं बस बोल सकता हूँ, उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तो मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ प्रमोद जी को। अमित जी, अमित जी की इच्छा रहती है, अमित जी प्रमोद जी को भुवन कहते हैं। और भुवन एक ऐसा नाम है जो टीम बिल्डिंग के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर नाम है, अमर कैरेक्टर है। तो प्रमोद जी अमित जी के भुवन है। और उसमें एक मुखिया था जो खेलता नहीं था, साइड से रहता था, वो शायद मैं हूँ। आप सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और एज अ डायरेक्टर मेरी तीसरी भोजपुरी फिल्म है रब्बा इश्क न होए छलिया और प्यार तो होना ही था, जो अभी बन रही है। लकली तीनों फिल्मों के हीरो अरविंद कला कल्लू जी ही रहे हैं, उसमें से दो फिल्मों की हीरोइन यामिनी रही हैं, दो फिल्मों की कनक जी रही हैं। इन लोगों का कम्बिनेशन पहली बार इस फिल्म में है। और इस आज की तारीख में भोजपुरी सिनेमा तो बहुत बन रहा है, मैं थोड़ा चूजी डायरेक्टर हूँ इसलिए साल में एक आधा ही फिल्म बना पा रहा हूँ। और ये फिल्म मेरे लिए एक इसलिए भी सरप्राइजिंग थी कि ये हमारे मित्र हैं अमित हिंडोचा साहब, जो गुजरात की धरती से हैं, जिनका भोजपुरी भाषा नहीं है और भोजपुरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन इनके वर्कर 1000-1500 के लगभग एम्प्लॉई हैं, जिसमें से लगभग 70% एम्प्लॉई भोजपुरी भाषी हैं, गुजरात से लेके बॉम्बे तक जहाँ भी इनके इतने बिजनेस हैं। और धीरे धीरे अब ये अपने एम्प्लॉयज से कम टूटी फूटी लैंग्वेज में भी देखेंगे तो 20% बात करते हैं। और इतना इनका स्नेह हुआ कि मित्र तो हमारे थे ही, तो बोले कि अब भोजपुरी फिल्म बनाते हैं। और जब से इन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, इनके स्टाफ को पता चला, वो लोग इतने खुश हैं कि पूछने का नहीं। और जब से ये मतलब एक होता ना कि एक ये बहुत बड़ी बात है, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, जो अपनों से थोड़ा दूर होते हैं, अलग होते हैं, उनसे प्यार करना ये एक महान व्यक्ति के अंदर होता है, जो अभी ये शुरू करना शुरू किए हैं अमित जी। और डीपली लव, ये नहीं कि चलो प्रोफेशनली पैसा बना रहे हैं, पैसा तो शेयर ब्रोकर हैं, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मतलब एक होता है ना कि मुझे इस लैंग्वेज से प्यार है, मेरे वर्कर्स इस लैंग्वेज को लव करते हैं, इसलिए ये फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी फिल्म। अमित सर के पास बहुत पैसा है, नहीं कहने का मतलब ये है कि कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं फिल्म में, तो उतना ही बजट होता है जितना फिल्म से हम निकाल सके, और इतना भी बजट नहीं डाल देना चाहिए कि हम फिल्म का पैसा निकाल ना सके। बिजनेस के लिए भी अदर भाषी आते हैं कि उनको बिजनेस करना रहता है, उनको चार पैसा कमाना रहता है, उनको लैंग्वेज से कोई प्यार नहीं होता। अमित जी के अंदर ये बात नहीं थी, भाई इस फिल्म का कितना बजट है, इतना बजट मैं खर्च करूंगा, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा उससे मुझे कोई मतलब, मुझे ये लैंग्वेज अच्छी लग रही है, हमारे वर्कर्स की लैंग्वेज है जो अच्छा प्यार करते हैं, मैं उनके प्यार के लिए ये फिल्म बना रहा हूँ। और जब से अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेशनली, तब से अभी मेरे ख्याल से कुछ आगे पता नहीं है, ही बताएंगे। लेकिन रही बात पैसे की, पैसा बहुत है लेकिन उड़ाने के लिए नहीं है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, कि एक लैंडमार्क फिल्म बने, अच्छी फिल्म बने, उसके लिए पैसा है, लिमिटेड ही है। प्रमोद जी उन्होंने बोल दिया तो बड़ा मत दीजिए। मैं सर लखनऊ आया था 2005 में, मेरे किसी फ्रेंड की शादी थी, उसके बाद में कभी मौका मिला नहीं मुझे यूपी आने का। तो पहले तो मैं इतना खुश हूँ कि लखनऊ में आया, इतने नवाबों का शहर, यहाँ पे शूटिंग मैंने देखी, बड़ा इन्जॉय किया मैंने 3 दिन, कल अयोध्या भी जाके आया, कल बनारस भी जा रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी।
बट द मेन थिंग इज यहाँ पे दो दिन जो शूटिंग में मैंने एंजॉय किया है, जो टीम स्पिरिट, मुझे लगता था कि बड़ी गॉसिप वाली दुनिया है, यहाँ वहाँ हीरो के टैंट्रम्स होते हैं, सब ऐसे होते हैं, पर ये जो परिवार मैंने देखा है उससे मैं गर्वान्वित हुआ हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अरविंद अकेला कर लो, इतना टैलेंट भरा हुआ है, हर रोल को इतने अच्छे से निभाता है, इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेट डांसर, सुपर यामिनी सिंह जी, बच्ची जैसी लगती है लेकिन इतनी मैच्योर है अंदर से कि पूछो मत, इतना वजन दिया उन्होंने अपने रोल में कि मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। देन झा साहब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, सर थैंक यू, बहुत कम नोटिस पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गाने बजाए हैं, और हम शायद मई में रिलीज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और तभी शादियों का सीजन है, तो हर टाइप के शादी के जो इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से गाने बनाए हैं हम लोगों ने। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा एक अभी भी कॉर्पोरेट टच जो चाहिए होता है वो शायद मिसिंग है, ये मेरा ओपिनियन है कि एक कॉर्पोरेट टच अभी भी जरूरी है इसके लिए। Then second is maybe promotions. है, प्यार बहुत है, प्यार होना जरूरी है, टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक कॉर्पोरेट से कट्टर प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो थोड़ा सा कहीं अभी भी 10-15% मेरे को मिसिंग लगता है, that is first thing. And second thing is promotions. प्रमोशन धमाकेदार रीच जो है लोगों तक पहुंचती नहीं है कि फिल्म रिलीज हो गई, बड़ी बैनर की हो, बहुत बड़ी बैनर की हो तो पता चलता है, पर अगर छोटी फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो, तो उसका रीच पहुंचता नहीं है। दिस इज व्हाट आई फील। सबसे पहले आप सभी को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं, जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं सभी को, और जितने मीडिया पर भारी आप लोग हमारे सेट पे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म हमारी ये प्यार तो होना ही था भोजपुरी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी और प्रोड्यूसर अमित सर, ACH एंटरटेनमेंट के द्वारा ये फिल्म बन रही है। टाइटल से ही आप लोग को मालूम चल रहा है कि बेहद ही रोमांटिक फिल्म है, प्यार तो होना ही था। एक ज़माने में अजय देवगन जी की ये पिक्चर आई थी, सुपरहिट पिक्चर थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भोजपुरी में उसे सीक्वल नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा हम लोग फिल्म का डिमांड था कि यही चाहिए। तो बेहद ही रोमांटिक फिल्म है, और आप लोग को इस फिल्म में काफ़ी सारे जो हमारे ऑडियंस को चाहिए, और हर फिल्म का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ समाज को संदेश दें, तो इस पिक्चर में एक बहुत ही बड़ा सामाजिक संदेश भी मिलेगा। फिल्म की कहानी पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन एक लाइन बताएंगे कि फुल एंटरटेनमेंट, फुल कॉमेडी से लेके एक्शन से भरपूर एक सामाजिक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म। देखिए वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और हम तो बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता भी उनसे, लेकिन ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा फिल्म है, काफ़ी हट के है और काफ़ी अलग है। आप लोग ये फिल्म जब रिलीज होगी या फिल्म का ट्रेलर जब आप सबके बीच में आएगा, तो आप सबको ट्रेलर देख के मालूम चलेगा कि वो प्यार तो होना ही था अलग था, और ये प्यार तो होना ही था काफ़ी अलग है। हम तो ये कहेंगे कि रब्बा इश्क़ नवाज़ सर के साथ किए, फिर छलिया किए, और ये तीसरी फिल्म में प्यार तो होना ही था, तो इसके पहले जितनी सारी पिक्चर आई है उससे कहीं बढ़ के पब्लिक प्यार दे। पहले तो सभी लोगों को यहाँ पर मेरा नमस्कार, आप लोग यहाँ पर इतनी दूर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म जो है हमारी प्यार तो होना ही था, इसकी मैंने जब स्टोरी सुनी थी तब मैं फाइनल नहीं थी, पर इस स्टोरी के सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ मुझे ले लिया जाए, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि शास्त्री सर ने मेरे को सोच के रखा हुआ है कि वो लेंगे मुझे, और उन्होंने बहुत बड़ा एक कहते हैं दाव खेला है कि मतलब मुझ पर भरोसा किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस रोल को, क्योंकि आज तक की मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इतिहास में भोजपुरी के, पर हाँ एक हीरोइन के लिए बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ा। आज तक हम लोग ने भोजपुरी में फिल्में बनते देखा है हीरो बेस्ड, हीरो ने फाइट की, हीरो ने, इस फिल्म में बहुत फाइट भी नहीं है, एक बहुत ही प्यारी मामूली लेकिन बहुत ख़ास एक स्टोरी है, तो एक हीरोइन को तवज्जो देना वो सर ने बहुत खूबी से किया, और मुझे बहुत बहुत बड़ी एक कहते हैं ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, और इसके बाद अगर मैं तो सब लोगों से मेरा ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ये फिल्म आए तो प्लीज़ इसे देखें ज़रूर, इसे प्यार दें, क्योंकि बहुत मेहनत की है हर एक इंसान ने हमारे इस टीम के। मैं अपने किरदार के बारे में नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि जैसी मैं हूँ बस वही है। मैं ये फिल्म जो कर रहा हूँ ये प्रमोद शास्त्री जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म, तो मैंने हैट्रिक मारी है और ये कारवा चलता रहे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने लखनऊ शहर में ही
इनके साथ एक पहले फिल्म की थी रब्बा इश्क ना हो जिसकी चर्चा हो चुकी है, और इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एक ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने मुझे बिना देखे कास्ट किया था, जिन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना था और मैं इनसे पहली बार सेट पे मिला था और जो फिल्म कम्प्लीट हुई थी इन्होंने मुझे दूसरी फिल्म भी ऑफर कर दी, और ये इनका कहना है कि मैं मेरे लिए रोल पोर्ट्रेट करते हैं कि देव ये रोल करेगा, तो इस फिल्म में मैं एक ऐसे किरदार में हूँ जो 14 साल के बाद जेल से निकलता है और बदले की आग उसके अंदर है, वो बदला लेना चाहता है और अपाहिज भी हो जाता है, लूला भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो आग है वो तब जलती रहती है जब तक सिनेमा खत्म नहीं होगा, क्लाइमेक्स नहीं जाता है। कुर्ता धोती, ये इसका थीम सिक्वेंस इसलिए रखा गया क्योंकि अपने आज का जो हिंदुस्तान का चलन था कुर्ता धोती वो कहीं किसी तरीके से खो गया था, तो हमारे डायरेक्टर सर का और प्रोड्यूसर सर का ये थीम था कि वो हम वापस लाएं जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, तो इसमें हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं और जितने भी पूरी यूनिट है वो इसमें इन्वॉल्व है और कोशिश यही है कि सबको अपने हिंदुस्तान के कल्चर से जोड़ा जाए। मैं फिल्म का संगीतकार हूँ, फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था जिसकी शूटिंग आज चल रही थी और धूम धड़ाके से चल रही थी, मैं भी एक पार्ट था और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पहले आप सबको बताया कि एक स्पेशल सॉन्ग शूट हुआ आज, हम बहुत सारे लोग मुंबई से यहाँ के उसमें हमने अपना पार्टिसिपेशन किया और एक यादगार पल साबित हुआ आज का ये दिन जब ये हम सब लोगों ने इंजॉय किया। आमतौर पर हम लोग स्टूडियो के अंदर होते हैं, म्यूजिक वाले इतना बाहर शूट पे जाते नहीं, बट शूट कभी कभी मौका मिला है, हम गए दो बार। नाचा मैंने, मुझे कल रात में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि ये बीट जो मैं दे रहा हूँ ये तो मैं हीरो हीरोइन के लिए सोच के रखा था, इधर आके हम लोग पे जब आया तो लगा तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने जो कंसीविंग हमारी थी, जो हम कंसीव की एग्जैक्टली वही उतर के आया है और हम सारी टीम को बहुत शुभकामना देते हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेस एक्शन टीम और एक लोग इस पिक्चर में पत्रकार महोदय भी काम किए, तो आप लोग उनके लिए भी जरूर जाइएगा। बालेश्वर जी कहाँ जा रहे हैं? पत्रकार महोदय है, सबको प्रणाम। बालेश्वर सिंह नाम है मेरा और इस फिल्म में भी बहुत ही खूबसूरत सा रोल कर रहा हूँ। विलन इस फिल्म में नहीं हूँ, अक्सर मैं विलन भी बहुत सारी फिल्में किया हूँ, इस फिल्म में प्रमोद भैया ने मुझे विलन ना करा के पॉजिटिव रोल करा है। फिल्म के लेकर बस यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है, जैसे रामनी जी ने बताया कि कुछ अलग है और दर्शक को नो डाउट 100% जो है ये जब फिर हम जाएंगे तो लोग देखेंगे कि कुछ अलग फिल्म है, और बस अब आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है कि आप लोग इस फिल्म को कितना पब्लिसिटी देते हैं, आप लोग कितना लोगों तक पहुंचाते हैं, और आप लोगों ने पहुंचा दिया तो हम लोग की जीत। प्रोड्यूसर जी तो नो डाउट बहुत कमाल के प्रोड्यूसर हैं, मैंने बहुत सारी फिल्में किया है लेकिन ये पहले से प्रोड्यूसर मिले हैं कि जो हम लोगों को यहाँ पे हर सुविधा दे रहे हैं, जो एक आर्टिस्ट को चाहे टेक्नीशियन को जो जिसको चाहिए वो सारा चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। मैं फिल्म में एक डॉक्टर की भूमिका कर रहा हूँ। फिल्म को लेके इतनी बातें हो चुकी हैं तो मेरे लिए शायद कुछ कहने को बचा नहीं है, बस अच्छी बात यही है कि हम लोग यहाँ पर 15 दिन से लगभग आए हुए हैं और हमें लग रहा है कि फिल्म थोड़े दिन और चले, हम लोग को साथ रहने का मौका मिले। हमारे निर्माता महोदय बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। नमस्कार, सबसे पहले हमारे जितनी भी मीडिया जो है सब लोगों को प्रणाम। मेरा नाम रोहित सिंह मठरो है और मैं इस फिल्म में हास्य कलाकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि एक और हमारे बीच में एक और कलाकार हास्य कलाकार का पदार्पण हुआ है इस फिल्म से। मैं हाँ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन करने की शुरू से आदत रही है, 14 साल बाद बनवास मेरा खत्म हुआ है और इस बार कॉमेडी किंग का अवार्ड भी लिया है, कॉमेडी बेस्ट कॉमेडियन का भी अवार्ड लिया है, तो मजा आता है कंपटीशन से, तो मजा आता है, इसलिए मैंने उनके बारे में तारुफ करवाई कि इस फिल्म में दो दो कॉमेडियन है, एक मैं रोहित सिंह मठरू और एक और है। बस इतना कहूँगा कि बिना अचार के खाना अधूरा है, तो इस फिल्म का अचार मैं हूँ, वो चटनी है या प्याज है वो खुद बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम समर चतुर्वेदी है, ये मेरी प्रमोद जी के साथ दूसरी फिल्म है और हम लोगों की दोस्ती शायद 17 साल पुरानी है और छलिया में भी मैंने काम किया था। इसके बाद इस फिल्म के लिए जो किरदार दिया उसके लिए एक कुर्बानी इन्होंने मांग ली, आप देख सकते हैं। मटरू भैया बता चुके हैं कि वो अचार है लेकिन दो चटनियां हैं, खट्टी और मीठी।
और ये दर्शक तय करेंगे कि उनको कौन सी वाली पसंद आई या दोनों मिला के खाते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं कहूंगा कि इस फिल्म के जो लेखक एस के चौहान साहब हैं। सर मेरा नाम एस के चौहान है और यह आए हुए लोगों का एक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी ठंड में इधर ही खाली कर हम लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी कहना चाहता हूं, अपनी कलम से कहता हूं, और हमारे कलाकार, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर उसको सपोर्ट करते हैं। जब हमारी कही हुई बात हमारे कलाकारों के द्वारा निभाए हुए किरदार के साथ वह स्क्रीन पर आता है तो हमारी बातें ऑटोमेटिक सबके सामने पहुँच जाती है। लल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक बार आप लोग हम लोगों के लिए सहयोग के लिए जब भी सिनेमा रिलीज हो तो आप लोग आएँ और उसका क्या अच्छाई है क्या बुराई है अपनी कलम के माध्यम से लोगों को बताएं। हो सकता है कि आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की बातों से बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं थिएटर से, भोजपुरी के नाम से, वो लोग फिर से जुड़ना शुरू हो जाएं, जो थिएटर आज खाली चल रहे हैं वो भरना शुरू हो जाएं। बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये मेरा सपना था, बहुत दिनों से सजे हुए था और इसकी चर्चा मैं अपने मित्र डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री जी से किया करता था और ये मुझे एक भरोसा दिए थे कि दोस्त मैं इस स्टोरी को मैं ही बनाऊंगा और मेरा अंदाजा है कि कम से कम ये मेरा सपना 6 सालों बाद इन्होंने पूरा किया है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।